गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो नंबर है वो केमिस्ट्री का, और आज हम इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो लेके आए हैं और बारी बारी से इन सारे जो टॉपिक्स को उनको पढ़ेंगे, और आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। तो आप ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लास्ट तक आप बने रहिए क्लास में, और आपको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको KBS, NBS, DSSB और अन्य विभिन्न बैंकिंग SSC एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ आपको अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। बाकी आपको GS या अन्य किसी भी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो देखनी है तो आपको चैनल के अंदर जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चेक कीजिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप वीडियोज़ देखिए और उनको उससे आप स्टडी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आओ तो दोस्तों, हम जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में वो मैंने आपको हीट के बारे में बताया था, हीट का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये सब चीज़ें बताई थी। फिर थर्मामीटर के बहुत से जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके यूजेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आपने अगर वो चीज़ नहीं देखी तो आप जाके देख लें। अब जो हीट है उसी में कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो उसी से आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन चेंज इन स्टेट। ओके, अवस्था में परिवर्तन या चेंज इन स्टेट। तो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है भाई? अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि किसी पदार्थ की निश्चित तापमान पर जो है वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसका परिवर्तित हो जाना। ठीक है, और यानी कि उसका ठोस से द्रव में बदल जाना, द्रव से गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाएगा? चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। और वो उसके लिए क्या होगा, एक निश्चित तापमान या फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होगी। समझ गए? तो अब ये जो चेंज इन स्टेट है, इसी के आधार पर हमने कुछ जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है गलनांक। ठीक है, गलनांक, या जिसको आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है? यह वह तापमान है जिस पर कोई वस्तु जो है वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है या बदलना शुरू करती है। ठीक है ना, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है वो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आयरन या लोहा, तो जो लोहा है वो 1538 डिग्री सेल्सियस 15338, तो 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाने पर जो है वो जो लोहा है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लग जाता है या आ जाता है, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कितना है आपका 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो समझ गए आप गलनांक। दूसरा हम बात करेंगे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर कि क्या होगा, कोई द्रव जो है वो ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा या ठोस में बदल जाएगा। ठीक है ना, कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका बर्फ, सॉरी, जो पानी है
वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाएगा। तो बर्फ क्या है? एक ठोस अवस्था है। अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही टेम्परेचर गया। तो पानी जो है वो एक द्रव अवस्था में था, उससे परिवर्तन हो गया ठोस अवस्था में आ गया। तो वो जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम कहेंगे, या हिमांक बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये है। तो जनरली जो है वो गलनांक और जो हिमांक है या मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाटर का एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, दोनों का जो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगेन जो है वो जो आइस है वो मेल्ट होने लग जाती है वापस, इसमें पानी में ही, पानी या द्रव अवस्था में मेल्ट होने बदलने लग जाती है। तो उन दोनों के लिए लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे पदार्थों के लिए जो है मेल्टिंग पॉइंट सब अलग अलग होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट अलग होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अवस्था परिवर्तन में हमने दो चीजें देख ली है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हम तीसरी चीज देखेंगे इसमें, वो है आपका क्वथनांक। ठीक है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वो ताप है, वो टेम्परेचर है किसी भी पदार्थ का जिस पर कि वो क्या करने शुरू हो जाता है, बॉयल होने शुरू हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, वह जो टेम्परेचर है वो क्वथनांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो उबलने लगता है या वाष्प होने लग जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक। समझ गए, तो ये है। नेक्स्ट जो है हम टर्म जिसकी बात करेंगे वो है संगनन बिंदु या कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन बिंदु वह बिंदु होगा जिस पर कि कोई वाष्प जो है या कोई गैस वापस से द्रव अवस्था में बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने लग जाएगा, जैसे कि अगर कोई वाटर है वो आपने देखा है कि कैसे जब उबलता है किसमें, किसी केतली में, और जैसे ही हम क्या करते हैं थोड़े देर के लिए भी आंच को कम करते हैं या गैस को निकाल देते हैं, गैस से निकाल देते हैं उसको, तो उसको क्या होगा, जो भी वाष्प जो है उसकी केतली के ढक्कन पे होगी वो वहां पर बूंदों के रूप में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो वाष्प अवस्था थी उस स्थिति से वो क्या हो गया, तुरंत कंडेंस हो गया या उसका संघनन हो गया और वो वापस द्रव अवस्था में आ गया, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है ना, तो वाष्प अवस्था से वापस जो द्रव अवस्था में आना क्या है, कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम पॉइंट की बात करेंगे वो है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है भाई? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का मतलब होता है कि किसी पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन करने के लिए हमें जितनी एनर्जी या हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है उस पदार्थ को, वो क्या कहलाएगी, उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उसे दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर
ठीक है, नियत ताप भी होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, 1 ग्राम जल का, ठीक है, या 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना है, तो 84 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। समझ गए? अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 ग्राम हमने कोई बर्फ का टुकड़ा लिया, हमें उस बर्फ के टुकड़े को अब किसमें बदलना है, द्रव में बदलना है या उसको उसकी अवस्था परिवर्तन करनी है, तो फिर हमें क्या चाहिए, उसको आवश्यक हीट देनी पड़ेगी जो उसके लिए रिक्वायर है, और वो आवश्यक हीट जो है वो कितनी है, 84 kg किलो कैलोरी होती है, ठीक है ना। यानी कि पर कैलोरी हमें कितनी जो है एनर्जी देनी पड़ती है, वही उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। अब जैसे कि अगर ये बर्फ का टुकड़ा मैंने हाथ पे रख दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो मैंने परसों आपको हीट ट्रांसमिशन का लॉ बताया था कि हीट हमेशा क्या होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हमारा जो हाथ है, हथेली है, वो क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग गर्म होगी, और जो बर्फ का टुकड़ा हमने रखा वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या होगा, हीट तुरंत जो है हमारी हथेली से बर्फ के टुकड़े के अंदर चली जाएगी, और इस तरीके से हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि जो हमारी हथेली की हीट है वो तो क्या हुआ, बर्फ के टुकड़े के अंदर चली गई और बर्फ का टुकड़ा पिघल गया, क्योंकि उसको जो लेटेंट हीट मिल रही थी 84 कैलोरी, वो कहां से मिल गई, हमारी हथेली से मिल गई या हाथ से मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ की हीट है उसको उसको प्राप्त हो गई, वो उसकी लेटेंट हीट हो गई और वो पिघल गया, इस तरीके से हमारी हथेली ठंडी हो गई, ठीक है ना। तो ये है इसका जो दूसरा एग्जांपल है, ये है पेट्रोल को हथेली पर रखने पर ठंडा होना, है ना। पेट्रोल भी आप देखते हैं कि अगर आप हल्का सा पेट्रोल लीजिए, कुछ देर बाद क्या होगा, वो उड़ जाएगा हाथ से और उसके बाद हाथ एकदम से ठंडा हो जाएगा, तो वो कैसे हुआ, क्योंकि पेट्रोल ने आवश्यक जो हीट है वो हमारी वो हाथ से ली, लेटेंट हीट को लिया और अपनी अवस्था में परिवर्तन करके वाष्पशील हो गया और हमारे हाथ को उसने ठंडा कर दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका कि एक आता है कि क्यों, क्या कारण है कि जो वाष्प है या भाप है उससे जलने पर ज़्यादा कष्ट होता है, बजाय अगर हम उसी टेम्परेचर के पानी से या द्रव अवस्था से अगर हाथ जले। कहने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आप वाटर को उबालो और इसी डिग्री इतने ही टेम्परेचर की भाप को उबालो, अगर हमारा हाथ जो है वो भाप के संपर्क में आता है तो उस पर ज्यादा जलन होगी, ज्यादा वो कष्टदायी होगा। क्यों? क्योंकि जो भाप होती है उसकी जो लेटेंट हीट है यानी गुप्त ऊष्मा वो ज्यादा होती है। किसी भी पदार्थ को भाप बनने के लिए कि उसने क्या किया होगा, ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित किया होगा बजाय कि उसको पानी के उबलने में, इस वजह से उसके अंदर जो लेटेंट हीट है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वाटर, और उस ज्यादा हीट के कारण जो है हमारा हाथ क्या होगा, ज्यादा जलेगा बजाय किससे जलने की, गर्म पानी से जलेगा, ठीक है। तो वो भी क्या कारण है, लेटेंट हीट। तो अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उसमें जितनी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। तो ये है आपका लेटेंट हीट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, ठीक है।
तो वेपराइजेशन वाष्पीकरण के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझते हैं कि वाष्पीकरण का मतलब होता है कि आपका द्रव से आपका गैस अवस्था में या वाष्प में परिवर्तन। और इसके लिए किसकी जरूरत होगी? हीट की या ऊष्मा की जरूरत होती है। वाष्पीकरण के कारण ही जो है वो गीले कपड़े जब धूप में रखते हैं या उनको सीधे सीधे टांग के भी रखते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो वो पानी है वो सूख जाता है और वो वाष्पीकरण के कारण आपके सूख जाते हैं। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि जब हम गर्मियों में चलते हैं तो हमें पसीना आता है लेकिन थोड़ी देर बाद हमें क्या होती है, ठंड महसूस होती है, तो वो क्या कारण है? क्योंकि जो बॉडी है उसने जो है ऊष्मा, जो हमारा पसीना है वो क्या हुआ, वाष्पीकृत हो गया, वेपराइज हो गया। और वेपराइज होने की क्रिया में उसने क्या किया, बॉडी से, हमारी बॉडी से जो है वो हीट को लिया, क्योंकि जो लेटेंट हीट है उसको वेपराइज होने के लिए वो कहाँ से मिली, बॉडी से। और जैसे ही उसने हीट को लिया वो क्या हुआ, पसीना उड़ गया, शरीर से निकल गया, वाष्पीकृत हो गया और उसने क्या किया, शरीर को ठंडा कर दिया क्योंकि हीट शरीर से चली गई। तो इसीलिए हमें पसीना आने के कुछ देर बाद ठंड का एहसास होता है, ठंडक महसूस होती है, तो वो भी क्या कारण है, वाष्पीकरण या वेपराइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आर्द्रता और ह्यूमिडिटी, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि पुरानी जगह बहुत ह्यूमिड कंडीशन है, आर्द्र भूमि है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित वाष्प या वेपर की मात्रा, है ना, यानी कि किसी भी जगह की जो वायुमंडल है उसमें कितनी वेपर प्रेजेंट है, कितनी जलवाष्प प्रेजेंट है, वाष्प भी नहीं कहनी चाहिए इसको, जलवाष्प। ठीक है, कितना जलवाष्प उसमें प्रेजेंट है वो वहां पर उसकी ह्यूमिडिटी को डिसाइड करेगा। और जो ह्यूमिडिटी है वो अलग अलग होगी, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में जो है ह्यूमिडिटी वो ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और जो आपके वृष्ट छाया प्रदेश होंगे या रेगिस्तानी प्रदेश होंगे, कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है कम होगी, हवा में नमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो वाष्प है वो एक तरह से नमी है, जल वाष्प, ठीक है ना। तो आपके जैसे कि कुछ इलाके होते हैं बरसात के बाद आपने देखा होंगे कि वहां पर आपने देखा होगा कितना एकदम क्लीन मौसम लगता है, एकदम साफ वातावरण, क्योंकि वहां वायुमंडल में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी के कारण ही फॉग बनता है, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या करती है, वो वायुमंडल को साफ रखती है, क्योंकि जो वातावरण है वो उसके जो कण है वो धूल के कण वो नीचे बैठ जाते हैं और वायुमंडल एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और इस कारण से हमें विजिबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है आपका आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब इसमें आता है एक टर्म वो है आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब ये क्या होता है, आपेक्षिक आर्द्रता, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ये होगा आपका निश्चित आयतन में वाष्प की मात्रा अपॉन
उसी आयतन में वाष्प या जल वाष्प की संतृप्त मात्रा इंटू 100। अब इसका क्या मतलब हुआ? निश्चित आयतन, सपोज मैंने मान लिया कि 1 लीटर क्यूब आपका क्या है, वायु है, और इसमें जो है वो वाष्पशील जो है वो कितनी है, वाष्प यानी जो वेपर है वो सपोज आपका मान लेते हैं आपका 500 ग्राम है, ठीक है ना। लेकिन और अपॉन में कह रहा है कि उसी आयतन में वाष्प की संतृप्त मात्रा, यानी कि टोटल जो है उसमें कितनी कैपेसिटी है वाष्प को ग्रहण करने की। अगर मैंने एक लीटर क्यूब लिया, कितने वायु का, ठीक है, वॉल्यूम लिया 1 लीटर क्यूब, तो 1 लीटर क्यूब जो है उस वॉल्यूम में टोटल कितना मात्रा में आपकी जो जलवाष्प है वो आ सकती थी। अगर उसकी जो संतृप्त अवस्था है, सैचुरेटेड कंडीशन है, टोटल उसमें कितनी आ सकती है, सपोज उसमें आपका 1.1 लीटर क्यूब में 1 लीटर जो है वो आ सकती है आपकी वाष्प आ सकती है या वेपर आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट कितनी है, 500 ग्राम ही प्रेजेंट है। तो जितनी प्रेजेंट है वो ऊपर है, टोटल जितनी आ सकती है कैपेसिटी कितनी है आपके 1 लीटर की है इंटू 100। तो उससे हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम आपको याद रखना है, वो है हाइग्रोमीटर। ऐसा इंग्लिश में भी याद रखना, हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका हाइग्रोमीटर जो है वो क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको निकालने का एक क्या है, फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। और हाइग्रोमीटर जो है उसकी सहायता से ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं, समझ गए, एक यंत्र होता है, ओके। तो भाई ये हो गया आपका अवस्था में परिवर्तन के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश, या लाइट, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आपको पता है हम सब जो हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। कोई चीज जो है वो विजिबल कब होती है, जब उस पर लाइट पड़ती है या प्रकाश पड़ता है। अगर प्रकाश ना पड़े तो वस्तु क्या ना हो, विजिबल ना हो, ठीक है ना। तो जो लाइट है वो, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है वो कैसे है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, या उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आती है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने कहा कि प्रकाश जो है वो सामान्यतः क्या माना जाता है, एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यही माना जाता है, और इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी निर्वात में भी प्रकाश जो है वो गतिमान होता है। आप, मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष में बहुत सारे लेयर्स ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी वायु नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम कंडीशन है, उसके बावजूद भी जो है प्रकाश जो है वो चलता है, लाइट चलती है और चलकर हमारे पास आती है। तो वो क्या, उसका कारण है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और जो ये इसका गुण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या करता है, बहुत सारे प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करता है, जैसे प्रकाश का
परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन आपका अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन है ना आपका व्यतिकरण, आपके ध्रुवण या पोलराइजेशन, ये सारी जो घटनाएं हैं ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब जो ये घटनाएं होती हैं इन सबको डिफाइन जो करता है वो करता है आपके प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की जो घटना है वो इनको डिफाइन करती है। लेकिन प्रकाश की ऐसी भी कुछ घटनाएं दिखाता है या ऐसे भी कुछ फिनोमेना शो करता है जो कि क्या होता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव इसको कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या दूसरा होता है क्वांटम प्रभाव। ये जो घटनाएं हैं ये क्या होता है, ये ऐसी घटनाएं हैं जो कि क्या होती है प्रकाश की वेव जो नेचर है वो डिफाइन नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है आइंस्टीन हुए हैं एक वैज्ञानिक फेमस, आइंस्टीन ने क्या किया कि उन्होंने पदार्थ की एक दूसरी ही टाइप बताई और उन्होंने जो लाइट है उसको क्या बताया कि जो लाइट है वो क्या करता है ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल्स हैं उनके रूप में मूव करता है या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मूव करता है ये, और जो ये ऊर्जा के पार्टिकल होते हैं ये सब एक समान ऊर्जा के होते हैं और इनको उन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं फोटोन, समझ गए। और ये जो उनका उनकी थ्योरी थी ये पदार्थ को क्या बताती है, ये पदार्थ कह रहा हूं मैं बार बार, ये जो लाइट है ये क्या है एक पार्टिकल है, ठीक है एक कण है या पार्टिकल है। तो इस प्रकार से जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो क्या बताती है, प्रकाश को एक कण बताती है और बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ बताती है। इसका मतलब जो प्रत्येक कण है वो क्या कहलाएगा फोटोन, और उस फोटोन को ई से डिनोट करते हैं जिसकी इक्वल टू होता है एच न्यू के बराबर होता है। तो जो फोटोन है वो क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोन क्या चीज हुई, तो फोटोन क्या होता है, फोटोन का मतलब होता है ऊर्जा का बंडल, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जो कि क्यों है, जो कि किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया अपने थ्योरी में जिसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो क्या नहीं है, वो वेव नहीं है बल्कि प्रकाश क्या है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। लेकिन वो जो ये आपके ये दो फिनोमेना थे ये इसी पार्टिकल वाले जो थ्योरी है इसने क्या किया डिफाइन इनको किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ फिनोमेना जो है वो वेव नेचर से डिफाइन हो रहे हैं, कुछ फिनोमेना जो है वो पार्टिकल नेचर से डिफाइन हो रहे हैं। इस कारण से क्या माना गया कि जो प्रकाश है या लाइट है वो कैसे होती है, ड्यूल नेचर शो करती है या दोहरी प्रकृति के होती है, समझ गए ना आप, कौन कौन सी दोहरी प्रकृति, एक तो होती है उसकी जो पार्टिकल की नेचर है और दूसरी जो होती है उसकी आपके वेव नेचर। वेव नेचर क्या मानती है कि प्रकाश क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो क्या हो सकती है, उसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसके अनुसार जो है वो प्रकाश जो है वो अपवर्तन करती है आपका परावर्तन करती है। लेकिन जो कुछ घटनाएं हैं उनको जब वो डिफाइन नहीं कर पाए तो आइंस्टीन ने फिर प्रकाश को एज अ कैसे फोटोन के पैकेट्स के रूप में डिफाइन किया। फोटोन क्या होता है एनर्जी के पैकेट्स, ठीक है ना, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव जैसी जो घटनाएं हैं उनको फिर डिफाइन किया। इस प्रकार से फाइनली निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये चीज, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश है वो क्या होता है दोहरी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों लास्ट में अब एक दो चीज और रह गई है, ये है लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक जो है वो किसमें होती है, वो निर्वात में ही होती है या जिसको आप कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है स्पीड होती है किसकी, प्रकाश की।
लेकिन अगर वायु की बात करें तो वायु में इसकी जो स्पीड है वो 0.03% जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, इतने परसेंट जो है वो स्पीड कम हो जाती है इन, क्योंकि वायु में क्या होगा, वायु का अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा और जिसके कारण से जो है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर निर्वात है तो वहां पर जो है मैक्सिमम स्पीड होगी 3×10 पर। अगर कहीं पर भी स्पीड ऑफ लाइट आए तो यही लिखना है आपने 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो यह है आपका स्पीड ऑफ लाइट। आगे अब प्रकाश से संबंधित जो है वो बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रकाश का परिवर्तन है आपका, ठीक है ना, अपवर्तन है। तो आज जो है हम पहली घटना है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की जो घटनाएं हैं हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम पहली घटना डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये इसके दो रूल होते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है सपोज कोई प्लेन, यहां पर इस पर है कोई परपेंडिकुलर, ये है कोई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग। प्रकाश का जो परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी भी चिकने या समतल सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, वो उसी कोण से जो है परावर्तित हो जाता है जिस कोण से वो आपतित हुआ है, यानी कि जिस एंगल पर वो है वो उस चिकने सतह पर पड़ा था उतना ही वो क्या होता है, उसी एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ गए। अब समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, ये कोई चिकनी सतह है, सपोज ये कांच है, यहां पर कोई आपतित किरण, इसको मैं बोलूंगा आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और ये इसको मैं बोलूंगा कि ये है परावर्तित किरण या आपका रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग। ये एक मान लिया कि ये क्या है, एक बीच में परपेंडिकुलर है, कोई अविलंब है, ये एक इमेजिनरी है कि ये जो प्लेन है इसके ठीक बीच में कोई परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे इनके बीच का जो एंगल है वो कोण आई कहलाता है, यानी कि आपतित कोण, और ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है कोण आर, यानी कि परावर्तित कोण, ठीक है ना, या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो जो नियम है वो क्या कहता है, पहला नियम बोलता है कि जो कोण आई है इसका मान हमेशा कोण आर के बराबर होगा, है ना। आपतित जो किरण है वो हमेशा परावर्तित किरण के एंगल के बराबर होगा, या आपतित कोण जिसको जो होगा वो परावर्तित कोण के बराबर होगा। और दूसरा जो नियम कहता है वो कि जो आपतित किरण है अपवर्तित किरण है और अविलंब होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, यानी इन अ सेम प्लेन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई वाई एक्सिस पे कोई जेड एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे होंगे तीनों की तीनों, या आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक ही एक्सिस पे। तो ये तो जो दो नियम है ये क्या है, परावर्तन के नियम कहलाते हैं, रिफ्रैक्शन के नियम, की क्या होता है, प्रकाश चिकने जो समतल सतह से उसी एंगल पर वापस लौटता है और तीनों की तीनों एक ही प्लेन में वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन, और इसका उदाहरण आप देखते ही हैं कि कैसे क्या होता है, जो है आप क्या करते हैं शीशे की सहायता से चीजों को जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, आप किसी भी एंगल पर उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जिस एंगल पर आपने कभी शीशा चमकाया होगा, देखा होगा धूप में, आप जब धूप पड़ती है तो उसको आप एंगल बदल के किसी भी जो स्थान है वहां पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं उससे, और वहां पर लाइट को पहुंचा देते हैं। तो वो क्या है, परावर्तन का ही कारण है। परावर्तन के कारण क्या होता है, जिस एंगल पर हमने लाइट डाली है उसके ठीक, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, इसी तरीके से उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन या परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये है भाई आपका, बाकी के जो इंसिडेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, मैंने परावर्तन से संबंधित आपको बॉइलिंग पॉइंट, ब्रिजिंग पॉइंट का बताया, आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया, कंडेंसेशन क्या होता है बताया, आपको लेटेंट हीट मैंने बताया आपको कि किस तरीके से जो हथेली है वो ठंडी हो जाती है जब जो बर्फ उस पर रहती है या पेट्रोल जो है वो वाष्पीकृत होता है, ये सब बताया। उसका वाष्पीकरण का मैंने आपको बता दिया कि पसीना जो आता है उससे क्या होता है, ठंडक क्यों महसूस होती है। फिर ह्यूमिडिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर जो है वो हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया कि कैसे उसका ड्यूल नेचर होता है। फिर मैंने जो बात की वो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर मैंने बात की किसकी, आपकी। अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई, वो है ग्रहण, इसको भी देख ही लेते हैं। मैं आपको बताने वाला था लेकिन शायद से ये छूट गया, ठीक है। कितना हुआ वीडियो, एक इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। वो है प्रकाश से संबंधित घटना है, वो है ग्रहण या इक्लिप्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये आपका, क्योंकि वैसे तो ज्योग्राफी के अंदर आता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इक्लिप्स क्या होता है भाई, जो ग्रहण या इक्लिप्स कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में आते हैं, ये तो आपको पता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता है। पहला होता है सूर्य ग्रहण या सोलार इक्लिप्स, ठीक है। समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ये है आपका सपोज सूर्य, और सोलर जो इक्लिप्स है वो कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होगा आपका मून और यहां पर होगा आपकी अर्थ, ठीक है। ये है आपके सन, ठीक है। तो ये है आपके जो सन है और अर्थ है उसके बीच में क्या है, मून या चंद्रमा उपस्थित है। तो इसके कारण से क्या होगा कि जो चंद्रमा है उसकी जो छाया है, क्योंकि सूर्य इधर से है, इसकी छाया के कारण ये जो है अर्थ से क्या होगा, अर्थ पर पड़ेगी, और अर्थ से हमें जो है वो क्या नहीं दिखाई देगा, मून नहीं दिखाई देगा, क्योंकि छाया के कारण यहाँ अंधेरा हो गया और हमें मून नहीं दिखाई देगा, सॉरी सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच में तो क्या है मून आ चुका है तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा। लेकिन चूंकि जो आउटर सूर्य का साइज बड़ा है, सन का साइज बड़ा है, उस स्थिति में क्या होगा कि जो बाहर की जो सूर्य का जो बाहर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोना। कोरोना वर्ड आपने आजकल बहुत सुन लिया होगा। तो जो बाहर का जो सबसे आउटर रिंग वाला जो सबसे गर्म भाग होता है सूरज का, जो कि कितना होता है लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास, इसमें डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, इस भाग से जो आएंगी लाइट है वो तो क्या होगी, अर्थ से दिखाई देंगी। यानी कि जो बाहरी हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, एक रिंग की भांति दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, रिंग। तो इसी कारण से हमने देखा कि जो सूर्य ग्रहण है वहां पर जो है सूर्य जो है वो पूरा नहीं दिखाई देता, बल्कि केवल उसके बाहर का हिस्सा एक रिंग की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी कारण, इसी स्थिति को हम कहते हैं ये सूर्य ग्रहण है। और जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या, ठीक है, अमावस्या के दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक हमेशा ये अमावस्या को ही होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चंद्र ग्रहण या आपका लूनार इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण या लूनार इक्लिप्स, इसमें जो है वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ जो है वो अब आ जाएगी बीच में, ठीक है।
अर्थ ये बीच में आ गई है और यहां पर जो मून है हमारा वो पीछे चला गया है। ठीक है, तो यहां पर आप सेम कंडीशन को देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ये चीज। अब यहां पर क्या परिवर्तन होगा, सूर्य जो है वो और हमारे जो मून है उसके बीच में अर्थ आ चुकी है, तो इस कारण से क्या होगा कि जो सूर्य से पहुंचने वाली किरणें हैं वो कहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएंगी। और जब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंचेंगी क्योंकि बीच में अर्थ है, इस कारण से जो यहाँ पे अर्थ के इस हिस्से में जितने भी लोग होंगे हमारे, हमें क्या दिखाई देगा, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, और चूंकि ये जो सूर्य है इसके कारण जो है उसके बाहरी हिस्से तक कुछ लाइट पहुंचेगी, तो इस कारण से कभी कभी दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, केवल एक रिंग की भांति हल्का सा दिखाई देगा। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। जबकि क्या होगा, सूर्य और आपके मून के बीच में जो है वो अर्थ आ जाती है, जिस कारण से हमें अर्थ नहीं दिखाई देता है, सॉरी मून नहीं दिखाई देता है। और जो इसी कारण से इसको कहते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा है, और यह सदैव पूर्णिमा को होता है। ठीक है, हमेशा जो है पूर्णिमा को होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना है, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे चंद्र ग्रहण जो है वो प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि जो है चंद्र ग्रहण वह सूर्य ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ग्रहण वाला टॉपिक है ये भी हमने पढ़ लिया है, क्योंकि ये प्रकाश के अंतर्गत आता है। अब प्रकाश से संबंधित जो बाकी घटनाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और नेक्स्ट क्लास जो है वो ज्वाइन कीजिए। आशा है आप लोगों को समझ में आया हुआ जो भी मैंने आज बताया। ठीक है, तो ठीक है, क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।